मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमारी मांग है कि कोरोना से जिन लोगों की जान गई है उनके सही आंकड़े दें। कोरोना निगेटिव आने के बाद भी जिनके हार्ट अटैक या किसी अन्य बीमारी से जान गई है उनको भी 5 लाख दें, और ब्लैक फंगस से जिनकी जान जा रही है उनको भी 5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री पर लोगों की जान जाने के लिए, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शंस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड नहीं दिला पाए जिसकी वजह से लोगों की जान गई है, इन पे FIR दर्ज होना चाहिए। गैर इरादन हत्या का मामला 304 का दर्ज होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने झूठ आंकड़े दिए। कमलनाथ जी पर जो FIR दर्ज किए हैं वो गलत है, उन्होंने सही आंकड़े दिए थे, इसलिए उनकी FIR को निरस्त किया जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज जी और BJP के नेता कमलनाथ जी से माफ़ी मांगें, ये मैं कहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस पे अमल होगा आगे सब। शिवराज सिंह जी, प्रदेश में कोरोना पूरी तरीके से फैल चुका है, ना केवल शहरों में अब ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना पूरे पैर अपने पसार चुका है। शहरों में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण, अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण, समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण बहुत सारे परिवारों ने अपने परिवार का सदस्य खोया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने जनता की आवाज, इस प्रदेश की आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने एक आंकड़ा जिसमें सत्यता है उस सत्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनको लग रहा था कि जब सत्य आप जानेंगे तो प्रदेश हित में आप कुछ और प्रयास करेंगे, पर आपने सत्य आप तक पहुंचाने के लिए जो मृत्यु दर पूरे प्रदेश में हुआ है जिसका आंकड़ा आपकी जानकारी में नहीं है, वो जब जानकारी आप तक उन्होंने पहुंचाई तो आपने उन पर FIR दर्ज कर दी। क्या प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष को जनता की आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है? क्या सत्य आप तक पहुंचाने का भी अधिकार नहीं है? आपने उन पे FIR करके ये अपनी नाकामी सिद्ध कर दी कि आप इस कोरोना में की व्यवस्था करने में, लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में आपकी सरकार विफल हुई है। प्रदेश की जनता देख रही है, वो परिवार देख रहा है जिसमें के परिवार में मृत्यु हुई है। शिवराज सिंह जी, आप और आपकी सरकार पूरी तरीके से कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल हुई है और यह पूरी जनता पूरे प्रदेश के सामने है। कल 23 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अगर सच कहना बागी है तो समझो हम बागी हैं। मैं भी कहता हूँ कि जिस प्रकार से मुरैना जिले का जो फिगर जो दिया है 2 वर्ष का 78 का, बड़ी शर्म की बात है। जब मृत्यु हुई है कोरोना से तो छुपाना क्यों? क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी ने सच बोला है। निश्चित तौर पर मैं भी बताता हूँ, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ और मुरैना विधानसभा का विधायक हूँ, कि 2 वर्ष में मुरैना में जिले में 1000 से ऊपर लगभग 1200 के आसपास मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा मरघट और शमशान और कब्रिस्तान के आधार पर ही है, और क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कितनी कंडोलेंस की है जिले भर में। शिवराज सिंह जी को नहीं मालूम होगा कि मुरैना जिले में कितनी मृत्यु हुई है,
अगर सच है तो हमारे ऊपर भी, अगर ये सच्चाई है तो इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आपका हिटलर का रवैया है, उसका उस रवैये से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और मध्य प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है, आदरणीय कमलनाथ जी खड़े हैं, मुरैना में हम लोग खड़े हैं। और आप कितने पे FIR कराओगे, कराइए, लेकिन सच है, सच बोलेंगे और सच कहेंगे। सम्मान्य सादर, जय हिंद। मैं वीरेंद्र भाई शुक्ला, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी डिंडोरी, आप सभी के सामने यह बात रखने के लिए आया हूं कि मध्य प्रदेश की भाजपा नेतृत्व की शिवराज सिंह जी की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों के आंकड़े छुपा रही है। और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी परम सिद्धि माननीय श्री कमलनाथ जी ने जब सच्चाई को सामने लाया, जनहित की बात की और जनता को सुविधा देने की जब उन्होंने बात की, तब शिवराज सिंह जी को इसमें देशद्रोह नजर आता है। मैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं, वास्तव में आप यदि ईमानदार हैं, आप में यदि मध्य प्रदेश की जनता के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह, प्यार और सम्मान है, तो आप किसी निष्पक्ष एजेंसी के माध्यम से जिलों में, ब्लॉकों में, ग्राम पंचायतों में और अस्पतालों में हुई मौतों का आंकड़ा, मुक्तिधामों के आंकड़े और कब्रिस्तानों के आंकड़े को मिलान कर लीजिए, तो आपकी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े पूरी तरह से झूठे और फर्जी साबित होंगे। आज आपने सत्य की आवाज को दबाने का जो षडयंत्र किया है, आपके द्वारा माननीय कमलनाथ जी के ऊपर जो आपराधिक मामला दर्ज कराने का षडयंत्र रचा गया है, इस कृत्य को मध्य प्रदेश की जनता कतई माफ नहीं करेगी। और यदि यह देशद्रोह है, सच्चाई को सामने लाना देशद्रोह है, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे ऊपर भी मामला दर्ज कराएं। खरीदे हुए जनादेश की झूठी सरकार, जिसकी अव्यवस्थाओं के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे, जिसके कारण कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, आज लगातार ब्लैक फंगस से परेशान है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पद का दायित्व करने के काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं, ना तो मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्माण कर रहे हैं। और झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, लाखों मौतें हो चुकी है, लाखों आंकड़े आ चुके हैं, शमशान में जलती हुई चिता कह रही है कि कितनी मौतें हुई है, पर झूठ के आंकड़े बताने वालों पर कार्रवाई की जगह वो कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कई शहरों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई, ऑक्सीजन दिलवाई, लगातार लोगों को राहत दी, और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों से, लगभग 90 विधायकों से 200 से ज्यादा एम्बुलेंसें करवाई, अलग अलग विधायकों ने अलग अलग तरीके से अपना काम किया। और कांग्रेस पार्टी के उस नेता के ऊपर जिसने जनता के हक और अधिकार की बात उठाई, उनके ऊपर FIR करने का काम करा। स्पष्ट रूप से सरकार में बैठे वो लोग जो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के कट्टर हैं, जो गुनहगार हैं, जो माफिया तंत्र को देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, शिवराज जी के ऊपर होना चाहिए, इनके स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर होना चाहिए, और कमलनाथ जी के साथ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ खड़ा है, वो स्पष्ट रूप से जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, इनसे न डरे हैं न डरेंगे। साथियों, वही हुआ जिस चीज का अंदेशा था। शिवराज सिंह चौहान ने डरकर, सच से डरकर, कमलनाथ जी से डरकर उन पर FIR कर दी। और FIR क्यों करी? FIR इसलिए करी कि जब उन्होंने सच सबके सामने लाया तो वो तिलमिला उठे और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलकर उनको किसी भी तरह से घेरने की कोशिश की गई। मैं अपनी सारी प्यारी जनता से पूछता हूं, अपने साथियों से पूछता हूं, क्या आपने खुद नहीं महसूस नहीं करा कि इस देश में जिस तरह से कोरोना महामारी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करा गया, जबरदस्त मिसमैनेजमेंट हुआ, इलाज नहीं मिल पाया, बिस्तर नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उस कारण से ये महामारी छोटी से बढ़ती बढ़ती एक विराट रूप इसने ले लिया। और यही
शिवराज सरकार की गलती के कारण, मोदी सरकार की गलती के कारण इसने लाखों भारतीयों की जान ले ली। जब कमलनाथ जी ने यही चीज कही और उन्होंने कहा कि जिस वायरस की उपज चाइना से हुई थी, सब उसको चाइना के नाम से जानते थे, आज इसी सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण उसको इंडियन वेरिएंट कहा जाने लगा, मतलब कोरोना का भारतीय संस्करण। और ये कमलनाथ जी ने नहीं कहा, ये खुद WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। तो शिवराज जी, अगर आपको किसी पर FIR करनी है तो वो FIR कमलनाथ जी पर नहीं, WHO पर करके दिखाइए, और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, उनका हल निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि एक FIR से कमलनाथ जी डर जाएंगे, कांग्रेस डर जाएगी, हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसी हजारों FIR भी कर दीजिए, पर सच के लिए हम पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं अपनी सारे युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि इस अन्याय के विरोध में कल मेरे सारे युवा साथी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए गांधी जी और अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काली पट्टी बांधकर धरना दें और अपना विरोध दर्ज करवाएं। और जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जो मौतों पर पर्दा डाला जा रहा है, उसकी आवाज बुलंद करें। जय हिंद, जय युवा। बात है कि भारत किस तरह है, आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था, आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मुझे बताया गया, आप लोग जानते हैं, कि कुछ पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किया है। ये इमेज मैनेजमेंट में लगे हैं, कोविड मैनेजमेंट में नहीं लगे। एक बड़ी बुनियादी बात है, अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार छाप रहे थे कि दूसरा वेव आना है, और भारत क्या कर रहा था, मोदी जी ने कहा हम कोविड की लड़ाई जीत गए। मोदी जी कहते हैं हम सी हैं, 6,60,00,000 वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। हम कहां घसीटे जा रहे हैं, हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान होए, हमारा नौजवान होए, जो हमारी आज अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है, क्रय शक्ति, ये उज्जैन का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से बाजार के लिए नहीं आते। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बनती है, उससे ये बाजार चलते हैं, हमारे कस्बों के बाजार चलते हैं, हमारे गाँव की किराने की दुकान चलती है। आज ये सब चौपट, इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, एक तो जो हमारे साथी जो भी आज नहीं रहे उनके